या आप किनको वोट दीजिएगा? अरे हम तो बिल्कुल पवन सिंह के ही देंगे। अच्छा, लगता है कि आप पवन सिंह के फैन हैं। नहीं नहीं, फैन की बात नहीं है, देखिए बात ये है ना, युवा है और उसका सोच कुछ और होगा। और मेरा जो अभी सांसद है, मतलब लगभग 10 साल से, हमको नहीं लगता है कि मैंने कहियो दौरा किए होंगे अपने क्षेत्र में। अभी हमारे यहाँ आगजनी हुआ था, आपको पता होगा, न्यूज हुआ था, तो बस चुनावी मौसम में एक बार वही यहाँ पर आए हैं, बस यही जस्ट बगले में आगजनी हुआ था। उसके बाद हमको नहीं लगता कि जितना भी भीड़ है कि कोई भी देखा होगा उनको जब भी चुनाव। क्या विकास किए हैं इससे पहले? विकास का बातें छोड़िए ना, उनका तो कोई योजना नहीं जानता है, कोई देखने नहीं, चिन्हे नहीं करता है कौन है सांसद मेरा। और ऐसे ही बने हुए हैं भाई, कागजी में तो बने हुए हैं सांसद। सांसद का काम कहीं बोर्ड कहीं बना कोई चीज कुछ नहीं। आप भी कहीं भ्रमण करिएगा, देख लीजिए कि फलना सांसद का टेंडर है, काम ही नहीं हुआ है। काम हुआ होगा तो मैंने कागजी में काम हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले पवन सिंह गए हैं, इस रास्ते से गुजरे हैं, देखे आप? हाँ, हम यहीं पर थे, बिल्कुल मिले हैं। हाँ, मिलवो किए हैं, बेचारा अपने गाड़ी से उतरा, सबको भीड़ में अपना हाथ वगैरह जो भी था वो अपना। माहौल देकर क्या लगता है? माहौल देकर तो मैंने कोई नहीं कहेगा इस बार ही नहीं निकलेगा, और बाकी उस दिन ईवीएम क्या बता रहा है तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नचनिया बजानी है तो देखिए, ये बात नहीं है, अपना अपना सोच। नचनिया बजानिया इसी समाज से भी आता है, ये नहीं उसका अलग कोई समाज होता है, और कहने वाला भी यही है, सुनने वाला भी हम ही है। इसका विरोध कोई करबो नहीं करेगा, आप स्वतंत्र है सब लोग। आपका वोट पवन? हाँ, 100% हम तो पवन सिंह के देंगे। कैसे, मेरे पास कोई मुद्दे नहीं है दूसरा, कि हम दूसरा किसी और को देंगे।